यहाँ आपने सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे होंगे बच्चे आप लोग, ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में हमने ए बी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, बी सी इज द बेस एंड ए सी इज द हाइपोटेनस। अब यहाँ पे तीनों जो साइड्स हैं ए बी बी सी और ए सी, तो ए बी बी सी और ए सी में तीनों का आपस में कैसा किस तरह का रिलेशंस है उसको हम लोग वहाँ देखेंगे, और इसी चीज़ को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा साइन थीटा, बच्चे बेसिकली जो ट्रायंगल्स में जितने भी तीनों साइड्स हैं तो टोटल जो रेशियो होते हैं ट्रिगोनोमेट्री में वो 6 रेशियो होते हैं, और सबके बीच का रेशियो है, परपेंडिकुलर बेस का, बेस का हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर्स का, इस तरीके से टोटल 6 रेशियो हैं जो केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है, और वो हमेशा किसी एंगल के रेस्पेक्ट में निकलता है बच्चों, वो हमेशा किसी एंगल के रेस्पेक्ट में ही हमेशा निकलता है। जैसे यहाँ पर एक मैंने बनाया साइन थीटा, तो साइन थीटा का मीनिंग क्या हुआ? साइन थीटा का मीनिंग ये होता है कि हमने थीटा के रेस्पेक्ट में उसका साइन वैल्यू क्या होगा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के रेस्पेक्ट में उसका साइन वैल्यू क्या हो, इसका मीनिंग होता है। यहाँ पे इसका जो रेशियो होता है वो होता है मेरा पी बाई एच, पी मतलब परपेंडिकुलर और एच का मतलब हाइपोटेनस। उसके बाद अगर बात करेंगे दूसरे रेशियो की तो वो होता है मेरा कॉस थीटा, जिसे हम बोलते हैं बी बाई एच। बच्चों यहाँ पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर और एच का मतलब होता है हाइपोटेनस। यहाँ बी बेस और एच फोर हाइपोटेनस। मैं ये पूरा नाम इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ कि आगे हो सकता है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा साइन थीटा, तो एंगल के रेस्पेक्ट में साइन का जो वैल्यू होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ही होता है, पर बच्चों यहाँ पे परपेंडिकुलर जो होगा वो हम लोग हमेशा एंगल के रेस्पेक्ट में ही देखते हैं। यहाँ हमने जो फिगर बनाया है ए बी सी ट्राइंगल का, उसमें जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ पर वो ए बी है, लेकिन हमेशा ये परपेंडिकुलर हो ये जरूरी नहीं है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। यहाँ टैन थीटा दैट इज इक्वल टू पी बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, और इसी तीनों के रेसिप्रोकल्स होते हैं, साइन के कॉस के और टैन के जो बाकी 3 रेशियो हैं वो सब इनके रेसिप्रोकल्स हैं। जैसे हमने कॉसेक थीटा लिया, कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो इसे हम लोग हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर कहेंगे। उसके बाद आता है कॉस का सेक थीटा, तो इसे हम बोलेंगे हाइपोटेनस बाई बेस, और लास्ट वन कॉट थीटा, ये हो गया मेरा बेस बाई परपेंडिकुलर। ये जितने भी तीन जो तीन इधर और तीन इधर जो रेशियो हैं, टोटल जो 6 रेशियो हैं, ये केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगा। अभी मैं आपको बात कर रहा था ये परपेंडिकुलर के बारे में कि किस तरीके से ये बदलता भी है। जैसे मैं एग्जांपल में अगर यहाँ बोलूँ कि ये हाइपोटेनस जो है वो 5 है, ये 3 है और ये 4 है सपोज, तो अगर मैं यहाँ पे अगर साइन थीटा अगर निकालूंगा तो ये होता है मेरा पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। बच्चों यहाँ पे परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये नहीं कि इसका ये परपेंडिकुलर है, हमें यहाँ परपेंडिकुलर समझना है थीटा के रेस्पेक्ट में, कि जो एंगल थीटा है उस थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमने जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर माना है वही परपेंडिकुलर हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं देखता हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ साइन थीटा पी बाई एच, तो साइन थीटा पी बाई एच कहने का मतलब ये मैंने थीटा माना, ये एंगल माना, ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पर ये थीटा के रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर है, इसके देखेंगे इसके ठीक सामने कौन है परपेंडिकुलर, जो ए बी है, तो
तो यहाँ पे हमने लिखा ए बी और हाइपोटेनस ए सी, ये हुआ मेरा साइन थीटा का वैल्यू। अब मैं यहाँ पर सपोज मैंने एक और एंगल ले लिया फाई, कोई और एंगल हमने ले लिया फाइव, ये भी एक्यूट एंगल ही ट्रायंगल है। यहाँ पे एंगल ए जो फाइव है, अगर मैं यहाँ पर साइन फाइव ले लूँगा तो हालांकि फार्मूला वही है, फार्मूला जो है हमारा वही है, P बाई एच, साइन फाइव मेरा P बाई एच ही है। लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि इस फाई के रेस्पेक्ट में कौन सा साइड है जो परपेंडिकुलर है। तो इस केस में अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके सामने जो परपेंडिकुलर है वो BC बन जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ परपेंडिकुलर के जगह अब हम BC लिखेंगे, BC बाई AC। टी रेशियो केवल हमें सिर्फ ये इस चीज़ को समझना है कि जहाँ पे जो भी साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक से जो भी छह रेशियो में से कोई भी एक रेशियो के बारे में बोलता है, तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि जिस एंगल के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है उस एंगल के रेस्पेक्ट में उस बेस का काम उस ट्रायंगल में कौन कर रहा है, परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है। जैसे हमने देखा थीटा और फाई में दोनों में पी बाई एच के लिए दोनों का जो साइड है वो चेंज हो गया। वो चेंज इसलिए हुआ क्योंकि हमने एंगल चेंज कर दिया, हर एक एंगल के परस्पेक्टिव में उसका जो परपेंडिकुलर होता है वो बदल जाता है। सेम चीज़ कॉस के साथ भी होता है, सेम चीज़ टैन के साथ भी होता है। तो हमें ये चीज़ देखना है कि हम यहाँ किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। एक एक चीज़ और बच्चों, या बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न शायद होता होगा कि सर यहाँ पर जैसे कुछ बच्चे यहाँ पर सोचते हैं, क्या कुछ को मालूम भी होगा बेसिकली कि साइन थीटा का मतलब होता क्या है? क्या हम साइन थीटा को ऐसे लिखें क्या, साइन इंटू थीटा ऐसे? क्या साइन थीटा का मतलब ये होता है कि साइन और थीटा का ये प्रोडक्ट है? तो ये चीज़ रॉन्ग है बच्चों। साइन थीटा को हम लोग साइन थीटा नहीं कहते, साइन थीटा का एक मीनिंग होता है, इसका एक रिप्रेजेंटेटिव मीनिंग होता है। उसका मतलब होता है कि वी आर फाइंडिंग आउट दी थीटा यानी साइन वैल्यू। हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा जो एंगल है, थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में हम उसका क्या निकाल रहे हैं, साइन वैल्यू निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसका साइन और थीटा का ये प्रोडक्ट हुआ, नहीं, इस साइन और थीटा का ये प्रोडक्ट नहीं है, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में ये साइन का वैल्यू होता है। तो कभी भी ये नहीं समझिएगा कि साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा होता है। दूसरी चीज़ और, हम कभी भी चीज़ को जैसे साइन थीटा का वैल्यू या किसी भी कॉस थीटा का वैल्यू, अगर ये हमें 7/12 या कुछ भी 5/12 कुछ भी यहाँ लिखा होता है, तो हम कभी ये नहीं समझेंगे कि साइन थीटा का मतलब यहाँ पर जो पी बाई पी यहाँ दिया हुआ है, यानी जो रेशियो है मेरा जो P बाई एच होता है, तो इसका मतलब ये नहीं समझेंगे कि परपेंडिकुलर ही 7 है और हाइपोटेनस ही 12, ये नहीं समझना है, बिकॉज दिस इज रेशियो। हम जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमेशा टी रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल में ही निकलता है, तो कभी भी ये नहीं समझना है कि यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू अगर 7/12 है, इसका मतलब P मेरा 7 हो जाएगा या एच ये मेरा 12 हो जाएगा। ये रेशियो है बच्चों, ये रेशियो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हम लोग यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर पेंडिकुलर ही 7 है या हाइपोटेनस ही 12, अलग अलग वहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि ये हमने क्या निकाला है, सिंपली एक रेशियो निकाला है अलग अलग चीज़ में। अब उसके बाद मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस में आपको डिस्कस करता हूँ, और इसमें कुछ तीन आइडेंटिटी है वो अभी मैं आपको बताऊँगा। इसमें अभी आपको इसमें कुछ अगर प्रॉब्लम अगर है, कुछ अगर लिखना उखना है, मैं 2 मिनट में थोड़ा साइड हो जाता हूँ। तो सभी रेज कर देता हूँ थोड़ा इसको।